हेलो हाय जय जगन्नाथ फ्रेंड्स मु आपनकर जीएस एजुकेटर प्रभु होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पड़ा आम एत दिन धर कि फ्री क्लासेस रे जहाँ डिस्कशन करते सब क्वेश्चन आसी तो 90% क्वेश्चन 90 तो नो 99% क्वेश्चन आसाला गोटे दुटा आसी ना जोटा कि मुझे बर्तमान कहीदेवी बट होप यू गाइज आर डिड वेल बहुत बढ़िया तुम करंड यू गाइज आर डूइंग वेल फर योर अपकमिंग ऑडिटर एग्जामिनेशन अल्सो। तो चलो लेट नक स्टार्ट करवा बहुत मजा ना कौन कौन क्वेश्चन अच्छी। तो देखो फास्ट क्वेश्चन तुम आज आरआई एग्जाम आसला व्हिच वायरस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कोविड 19 जेबे टू कोविड 19 हेची। देखो करंट अफेयर रे मो उपरे मते बहुत पिला कहले ना सर 6 मास रासियो बोली मु कहतले नाही नाही 1.5 ईयर 2 इयर्स जहा भी तुम सब इंपोर्टेंट अच्छी ना से सब आसीबो। ओसीएस रे आसी गला को दिन तुम जे एंड के हेतला हिस्टोरिक जो गुडा का इवेंट सब गुडा का मन रखिबो आ से ट्रेंड नाही तुम 6 मास आ वर्ष करो से तुम बाहरी आस कोविड 19 ये इनिशियल जिनस आम फास्ट फास्ट डिस्कशन करते कोविड थिला सार्स कोव टू जोटा कि सार्स कोव टू बोली आम डिस्कशन करते ऑप्शन नंबर ए रन हो राइट आंसर। कवि चंद्र बढ़िया क्वेश्चन कवि चंद्र क्या कह जाए कवि सम्राट जदि तुम देख उपेन्द्र भंजन राधानाथ राय बट ये तुम राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कालीचरण पटनायक कालीचरण पटनायक इज द राइट आंसर तांको को उपाधि विभूषित कराइला कविचंद्र वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन कविचंद्र तुम हूँ कालीचरण पटनायक वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थी यहाँ तुम अपकमिंग एग्जामिनेशन इंपोर्टेंट हु वाज अनर्ड विथ भारत रत्न इन 2019 भारत रत्न क्या मिलता भारत रत्न 2019 तीन जन को प्रणब मुखर्जी भितर जड़े थे भूपेन हजारिका आउ जे किए थे हु वाज द थर्ड पर्सन मत कमेंट सेक्शन में बतेब है। क्वेश्चन नंबर फोर को जी द ललित कला एकाडेमी उपरे पचार दला इज डेडिकेटेड फॉर द प्रमोशन ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बहुत बढ़िया क्वेश्चन ललित कला एकाडेमी जोटा कि सब ओडिया जानवा दरकार ये कहार प्रमोशन उपरे काम करे देखो इट इज डेडिकेटेड टू द प्रमोशन ऑफ द फाइन आर्ट्स जो तुम फाइन आर्ट गुड़िक अच्छी यार प्रमोशन उपरे काम करे। क्वेश्चन नंबर फोर राइट आंसर होची ऑप्शन नंबर बी मधुबनी पेंटिंग मधुबनी पेंटिंग देखीदेले तुम जानी दौथ आंसर आम बहुत थर क्लासेस आम डिस्कसन करते मधुबनी पेंटिंग इज डील्स विथ बिहार बिहार जो फेमस पेंटिंग कह जाए मधुबनी पेंटिंग से बहुत परीक्षा बहुत परीक्षा पड़ला बहुत परीक्षा इंपोर्टेंट। नेक्स्ट टू हिंदी व्हिच इज स्पोकन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया एटी इंडिया जदि न पड़ी वर्ल्ड भी पड़े ना वर्ल्ड रे भी यही भाषाटा को बहुत भाव में कह जाए मन रख तो ये पचारा जदि हिंदी परे यहाँ कौ भाषा जोटा कि मैक्सिमम नंबर पीपुल कहते इंडिया रे सी हो बेंगली लांगुएज मन रख बेंगली अराउंड 1 बिलियन पीपुल तुम होल वर्ल्ड रे बेंगली डिस्कस एक बेंगली वार्तालाप करती मन रख वंदे उत्कल जननी आम बहुत थर एग्जाम डिस्कसन करते देख जो मैंने लुसेंट पढ़ी जो मैंने आम फ्री क्लासेस देखते हाउ दे हाव गट द बेनिफिट तो सेमती देख सेमती कर आमको सपोर्ट कर विल डेफिनेटली गेट द सक्सेस। लक्ष्मीकांत महापात्र इज द राइट आंसर आपको कौन कह जाए कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माय जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस यहाँ भी आम डिस्कशन करते एपीजे अब्दुल कलाम इज द राइट आंसर एपीजे अब्दुल कलाम। हाउ इज द एमिनेंट पर्सन तेंजिन ग्याटसो पॉपुलरली नोन एज तेंजिन ग्याटसो किए तेंजिन ग्याटसो होती तिद्दत्र धर्मगुरु से तिदेतियान गवर्नमेंट ऑफ एक्जाइल को मध्य रन करुछंती इंडिया भितर रहीकि से ही इज नन अदर देन दलाई लामा इज नोन एज तेंजिन ग्याटसो मन रखिबो। हु इज द विनर ऑफ विम्बलडन टेबल टेनिस सिंगल्स जूनियर चैंपियनशिप 2021 यही टी पे फसी जाइ एटा आम डिस्कसन कर नथले बट मुझे तुमको मेन्स ओमेन्स डबल्स आउ मिक्स डबल्स यही सब कैटेगोरी मन रखापी बट जेहतु ये जन इंडियान जीती जाइए ये टी इंपोर्टेंट ये करंट अफेयर रिलेटेड राइट आंसर ये होची समीर बानर्जी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट स्वीट वाटर लेक इन ओडिशा कटक अवस्थित अच्छी राइट आंसर होची अंशुपा अंशुपा हद अक्सबो टाइप अक्सबो अश्वखोराकृति कहते अंशुपा कटक अच्छी चिलिका चिलिका हूँ लार्जेस्ट ब्राकिश वाटर लेक इन एशिया इन व्हिच ईयर डिड इंडिया विन द फास्ट एवर गोल्ड मेडल इन हॉकी एट ओलंपिक्स गेम बिफोर द इंडिपेंडेंस बिफोर द इंडिपेंडेंस कौन एटी जदि बिफोर द इंडिपेंडेंस लगे भी न था मन रखा प्रथम आम गोल्ड मेडल जीति 1928 यह क्लास सब डिस्कसन करी। इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा इज द सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड बहुत बढ़िया क्वेश्चन पड़ी कटक इज द राइट आंसर कटक कौन से जगह ना
विद्याधरपुर कटक विद्याधरपुर मन रखिबो विद्याधरपुर रे तमरा सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट अछि जोटा कि एशिया रा सबुटु बड इन एंक्रोनिम सार्क व्हाट डस सी स्टैंड्स से पचादला सार्क रा फुल फॉर्म रे तमरा सी रा कोन जो मीनिंग दा देखो सार्क तो तुम पलैसला साउथ एशियन एसोसिएशन रिलेटेड बट सी रा मीनिंग होची कॉपरेशन कॉपरेशन इज द राइट आंसर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर WTO वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हेडक्वार्टर होची जेनिवा ऑप्शन नंबर डी जेनिवा इज द राइट आंसर हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम ओडिशा आर इलेक्टेड टू लोकसभा लोकसभा जदि पळे आसीबो 21 मते टिक कमेंट सेक्शन में बतेबो राज्यसभा रा केते वेरी वेरी इंपोर्टेंट राज्यसभा रा केते Which of the following countries is not the member of United Nations? एक क्वेश्चन ने तुम्हें कते पिला टिके प्रॉब्लम फेस करथियो बट थिंक वाइजली साउथ अफ्रीका ये तो थिबो ही थिबो इजराइल ये थिबो ही थिबो क्यूबा ये गोटे कम्युनिस्ट कंट्री बट आमर ए दुटा भितर आंसर हो पारे गोटे कथा मन रख इजराइल ये बहुत लोग पैलेस्टाइन को से माने माने कौन मानु ही नाती गोटे कंट्री बोली तो एटा तमर केबे भी नथियो सो राइट आंसर इज द पैलेस्टाइन द पैलेस्टाइन इज नॉट ए मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस व्हाट इज वॉल स्ट्रीट वुल्फ्स ऑफ वॉल स्ट्रीट जदि तुम देखी थो मूवी जो मैंने डायहार्ड हॉलीवुड मूवी लवर से मैंने जापारे इट इज अ स्टॉक एक्सचेंज ऑफ न्यूयॉर्क को जाए वॉल स्ट्रीट गोटे बढ़िया मूवी अच्छी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट फ्री हेल्ले देख यूनाइटेड नेशन सेलिब्रेट्स इंटरनेशनल डे ऑफ योगा योगा डे तो छाड़बे से मैंने जून 21 इज द राइट आंसर जून 21 आ कौन आमर जो उत्तर गोलार्धर सबुठ बड़ दिन 21 डिसेंबर 22 होची सबुटु छोट मन रखियो एडा भी मन रखथिबो तमर मे बी ज्योग्राफी रे सॉरी हां ज्योग्राफी रिलेटेड पढ़ी पारे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा हैज स्टॉप्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ टर्मेरिक पई भी से GI टैग मध्ये पाइची सी होची नॉन अदर देन कंधमाल इज द राइट आंसर कंधमाल हळदी पई GI टैग मध्ये से डिस्ट्रिक्ट ओडिशा रा पाई जाइची हु वाज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया व्हेन मुस्लिम लीग कॉल्ड द डायरेक्ट एक्शन डे बेले तमर किए थिले लॉर्ड वेवेल डायरेक्ट एक्शन दे तुम बहुत मैसाकर कराइला हिंदू मानक हु वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वारेन हास्टिंग वाज द फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल थिले फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होचंदी लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर जदि वारेन हास्टिंग आसीबो ही वाज द फास्ट गवर्नर ऑफ बेंगल एंड ही वाज द फास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कौन डिफरेंस मु ऑलरेडी थ्योरी क्लासेस तुम सब डिस्कशन कर दे व्हाट आर द नेम ऑफ अशोकास मदर वाइफ एंड डॉटर अशोकर माँ स्त्री आउ झीकर ना कौन थी कन्फ्यूज हो दुटा तो तुम छाड़ दि कारण झीक ना था संघमित्रा तो संघमित्रा लास्ट को आसो जदि तुम कन्फ्यूज हो माँ को ना वाइफ को ना माँ को वाइफ को ना था कौन महादेवी एटा तो तुम जान जी माँ का ना जान तेल ऑप्शन नंबर बी ही तो राइट आंसर हम ना एलिमिनेशन प्रोसेस तो टीके एम देखी दे इनिशियली क्वीन एलिजाबेथ वन अप्रूव्ड द चार्टर फॉर द ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर हाउ मेनी इयर्स से तो तुम जो चार्टर एक्ट से मैंने बनाऊ उप एक्ट चार्टर से ट्रेड करने ईस्ट इंडिया कंपनी को अलाउ कराइला प्रथम केत वर्ष राइट आंसर होगी ऑप्शन नंबर डी 15 years फॉर 15 years वाज द राइट आंसर पंचतंत्र वाज रिटन बाय पंचतंत्र होची विष्णु शर्मा ऑप्शन नंबर बी पंचतंत्र वाज रिटन बाय विष्णु शर्मा महेंजोदारो मीनिंग कौन से पचारा इज अल्सो नोन आज महेंजोदारो मीनिंग होची माउंट ऑफ डेड ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर द इनफेमस जालीवानाला बाग मैसाकर हैपेन ऑन व्हिच फेस्टिवल डे देख एक्चुअली सेठी से माने सेलिब्रेशन करुथले कौन बैसाखी सेलिब्रेशन करुथले जोटा कि तुम्हारा रावलाट एक्ट एग्नेस्ट रे बोली कहीकि जनरल डायर तांकर जो लोक मानक ऑर्डर देले एवं गुलीकांड होता से माने बट एक्चुअली सेलिब्रेशन करा जाउथला बैसाखी Who among the following dynasty was ruler of Magadha when Alexander invaded India? तो चंद्रगुप्त पूर्वर थे नंदवंश ही थे जितेबाला तुम्हारे मगध उपर Alexander अटैक करते The lengthiest classical epic of India. यहाँ तो आम डेली डिस्कसन करुचे आर ही मोटिवेशनल कोट पढ़ुचे गीता नुह महाभारत इज द लेंथिएस्ट गीता तो महाभारत ही मैंने से ही टाइम कही द लेंथिएस्ट क्लासिकाल एपिक अफ इंडिया इज महाभारत को लिखी थे किए वेदव्यास ओडिसी डांसर इन जगन्नाथ टेम्पल आर कॉल्ड ओडिसी डांसर जो मैंने जगन्नाथ टेम्पल अच्छे कौन कह जाए देखु बहुत बढ़िया क्वेश्चन से मैं महारी कहुए महारी इज द राइट आंसर ओडिसी
ଡ୍ୟାନ୍ସର୍ସ ଇନ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଆଜ୍ ମାହାରୀ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଇଜ୍ ମେଜର୍ଡ ବାଇ ଯେତିକି ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା ଯେଉଁମାନେ ତୁମେ ଅପକମିଂ ଅଡିଟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ସେଇଟା ବି ପଢ଼ିଥିବ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଉପରେ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବଟ୍ ଆଟମୋସ୍ଫିୟରିକ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଇଜ୍ ମେଜର୍ ବାଇ ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ହାଇଗ୍ରୋମିଟର ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ରକ୍ ଇଜ୍ କୋଲ୍ଡ କୋଇଲାଟା ତୁମର କେଉଁ ପ୍ରକାର ରକ୍ ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ବା ଯେଉଁଟାକୁ ତୁମେ କହୁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି ସେଡିମେଣ୍ଟାରୀ ରକ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଦ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍ ରେକର୍ଡିଂ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ ଲାଗି ତୁମର କ'ଣ କରେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ଯଦି ତୁମର ପଚାରିବ କେତେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ସେଇଟା ହେଇଯିବ ତୁମର ରିକ୍ଟର୍ ସ୍କେଲ୍ ବଟ୍ ତୁମେ ଆର୍ଥକ୍ୱେକ୍ର ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ ୱେଭ୍ସ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ୟୁଜ୍ କରାଯାଏ ସେଇଟା ହେଉଛି ସେସିମୋଗ୍ରାଫ୍ ସେସିମୋଗ୍ରାଫ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ସେସିମୋଗ୍ରାଫି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 34 ଏଇଟା ବି ଆମେ ବହୁତ ଥର ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ସୁଏଜ୍ କେନାଲକୁ କେଉଁ କେଉଁ ସିକୁ କନେକ୍ଟ କରୁଛି ଯେହେତୁ ତୁମର ଏଭର୍ ଗିଭେନ୍ ଜାହାଜ ଯେଉଁଟା ତୁମର ଫସିକି ରହିଥିଲା ତୁମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଥିଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ଏଇଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍ ସିକୁ ରେଡ୍ ସିକୁ କନେକ୍ଟ କରେ ମେଡ଼ିଟେରିଆନ୍ ସି ଆଣ୍ଡ ରେଡ୍ ସି ଇଜ୍ କନେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ସୁଏଜ୍ କେନାଲ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମକୁ ପାନାମା କେନାଲ କେଉଁ କେଉଁ ଓସେନ୍ ବା ସିକୁ କନେକ୍ଟ କରେ ପାନାମା କେନାଲ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ରାଇଟ୍ ଥିବ ମୁଁ ତାକୁ ପର୍ସନାଲି ଲାଇକ୍ କରିବି ହାଉ ମେନି ନମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ସେୟାର୍ସ ଦେୟାର୍ ବର୍ଡ଼ର୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଚ୍ଛା ଉପରେ ରହିଲା କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲ କ'ଣ ଛତିଶଗଡ଼ ତଳେ ରହିଲା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତ ଚାରି ନମ୍ବର ରାଜ୍ୟ ତୁମର ସେୟାର୍ କରନ୍ତି ବର୍ଡ଼ର୍ ୱିଥ୍ ଓଡ଼ିଶା ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଡଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ଏନ୍ଜୟ ଓଡ଼ିଶା କ'ଣ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତ ସେ ଆମର ଟ୍ରପିକାଲ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଏନ୍ଜୟ କରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ ରିଭର୍ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ହାଜ୍ ବିନ୍ ଓରିଜିନେଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ରିଭର୍ ବୁଢ଼ାବଳଙ୍ଗ ତୁମର କେଉଁଠୁ ଅରିଜିନେଟେଡ୍ ହେଇଛି ଶିମିଳିପାଳ ହିଲ୍ ମନେ ରଖିବ ଶିମିଳିପାଳରେ ତୁମର ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ ମାଙ୍କେଡ଼ିଆ ପ୍ରଜାତିର ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି ଏଇଟା ବି ତୁମର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟର୍ ଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ମନେ ରଖିବ ଶିମିଳିପାଳ ଟାଇଗର ରିଜର୍ଭ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ଲଟିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ କ୍ଲଟିଙ୍ଗ ଅଫ୍ ବ୍ଲଡ୍ ଭେସେଲ୍କୁ ତୁମର କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର ଥ୍ରମ୍ବୋସିସ୍ ମନେ ରଖିବ ଥ୍ରମ୍ବୋସିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବଢ଼ିଆ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥର ପଡ଼ିଥିଲା କିନ୍ତୁ ସିନ୍ଧୁ ନେତ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି ଲଞ୍ଚ ରିସେଣ୍ଟଲି ୟୁଜିଂ PSLV ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ଭେହିକିଲ୍ PSLVର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ମନେ ରଖିଦେଇଥାଉ ମେ ବି ପକେଇବ ବଟ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି PSLV C-51 ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମସ୍କ୍ୟୁଟ ହୁଏନ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ଟେଡ୍ ୱିଥ୍ ଭାଇରସ୍ ଇଜ୍ ମେନ୍ କଜ୍ ଅଫ୍ ସ୍ପ୍ରେଡିଂ ଡେଙ୍ଗୁ ଫିଭର ଯେହେତୁ ଡେଙ୍ଗୁ ଏବେ ଏଇ ରେଟ୍ରେ ମାନେ ବହୁତ ରେଟ୍ରେ ମାନେ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି ଚାଲିଛି ତ ମନେ ରଖିବ ଏଡ଼ିସ୍ ମସ୍କ୍ୟୁଟ ଏଇଟା ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଏଡ଼ିସ୍ ମସ୍କ୍ୟୁଟ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମନେ ରଖିଥିବ ମେ ବି ତୁମର ଅପକମିଂ ଅଡିଟର୍ ବି ଏଇଟା ପଚାରି ଦେଇପାରେ ହାଉ ମେନି ବୋନ୍ସ ଆର୍ ଦେୟାର୍ ଇନ୍ ଆଡଲ୍ଟ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବଡ଼ି ଛୋଟବେଳେ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏଇଟା 206 ଖଣ୍ଡ ମଣିଷ ଦେହରେ 206 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ଓକେ ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମେଜର୍ ଅଫ୍ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉପରେ କି ଛାଡ଼ିଲି କି ଓକେ ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମେଜର୍ ଅଫ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ଦେଇଛି ଷ୍ଟେଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ ଷ୍ଟେଲର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ଯେଉଁମାନେ ମାରିଛ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗ୍ରେସ୍ ମାର୍କ ଦେବା କଥା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ର ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଲର୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସକୁ ପାର୍ସେକ୍ରେ ବି ମପାଯାଏ ପାର୍ସେକ୍କୁ ବି ୱି କ୍ୟାନ୍ କନ୍ଭର୍ଟ ଇନ୍ ଟୁ ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଟ୍ ବି ତୁମର ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ତ ଏଠି ମୋ ମତରେ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଆଣ୍ଡ ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ବଟ୍ ବେଶୀ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲାଇଟ୍ ଇୟର୍ ଇଜ୍ ଦ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଦୁଇଟା ଯାକ ହେଇପାରିବ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଭିଟାମିନ୍ସ ଇନ୍ କନ୍ସିଡର୍ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଟୁ କିପ୍ ଆଇଜ୍ ହେଲ୍ଦି ତ ଜାଣିଛ ନା ଆର ଅଭାବରୁ ଆମକୁ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ ହୁଏ ଅନ୍ଧାରକଣା ରୋଗ କାହା ଅଭାବରୁ ହୁଏ ଭାଇଟାମିନ୍ ଏ ଅଭାବରୁ ଭାଇଟାମିନ୍ ଏ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆ ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଅଡିଟର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବ ନା କେଉଁ କେଉଁ ଭାଇଟାମିନ୍ର କ'ଣ କ'ଣ ନାଁ ଏବଂ ତା'ର ଡେଫିସିଏନ୍ସିରେ ତୁମକୁ କେଉଁ କେଉଁ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖିଦେଇଥିବ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଙ୍ଗ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଚ୍ଛା ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କଲିଙ୍ଗ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଓଡ୍ର ଦେଶ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଉତ୍କଳ ଉତ୍କଳ ବି କୁହାଯାଉଥିଲା କୋଶଳ ଆଚ୍ଛା ଦେଖ କୋଶଳ ସେତେବେଳେ ତୁମର ପାର୍ଟ ଥିଲା କୋଶଳ ତୁମର ମେନ୍ଲି ଯେଉଁ ସଦର୍ନ ପାର୍ଟ ତୁମର ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବି କୋଶଳ ରାଜ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା ବଟ୍ ନଟ୍ ଦ ହୋଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ କୋଶଳ ୱିଲ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କୋଶଳ ୱିଲ୍ ବି ଦ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆନ୍ସିଏଣ୍ଟ ନେମ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଲଞ୍ଚଡ୍ ବାଇ ହ୍ୱିଚ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ତା'ର ନାଁ ଥିଲା କ'ଣ ସ୍ପୁଟନିକ୍ ୱାନ୍ ସେ କିଏ କରିଥିଲା USSR ୟୁନିଅନ୍ ସୋଭିଏତ୍ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ ମନେ ରଖିବ ସ୍ପେସ୍ ରେସ୍ରେ
टिके मन रखिबो जे तमे को जायर कन्फ्यूज हबो आखी बुझी कि मारिबोडा स्पेस रेस रे यूएसए तो बहुत आगे रे थिला यूएसएसआर मन रखिबो यूरी गागारिन जे प्रथम मनुष्य से ही यूएसएसआर रा जाइथिले आर्यभट्ट हमरा लॉन्च करथिला मध्य यूएसएसआर मन रखिबो ना कोन थिला फास्ट सैटेलाइट रा स्पुटनिक वन मन रखिबो स्पुटनिक वन आ जदि पचारे कोरोना टीका प्रथम के रजिस्टर करथला सेटा भी तमरा स्पुटनिक भी रशिया द फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑफ इंडिया फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर होची ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ब्लीचिंग पाउडर इज मेड ऑफ ब्लीचिंग पाउडर लाइम एंड क्लोरीन मत देखाला लाइम एंड क्लोरीन इज द राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अवर राइट आंसर Among the various allotrope of carbon, which of the following is correct? Diamond is the hardest. अच्छा ठीक है जी एक दुई तीन ही diamond is the hardest तीन जगह दे दीजिए ना and graphite is the softest. Okay, बहुत बढ़िया diamond is the hardest and graphite is the softest. Option number D is the right answer. गोटे होची सबुट हार्ड गोटे होची सबुट नरम The sun temple of Konark. Sun temple को कौन कहा जाए Black pagoda मध्य को कहा जाए sun temple of Konark को क्वेश्चन नंबर फिफ्टी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस इज रिलेटेड टू कोरोना वायरस देखो कोरोना वायरस रे तुमको जितले पढ़ी कही कोरोना वायरस इज अ ग्रुप ऑफ वायरस मर्स मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जोटा तुम मिडिल ईस्ट रे व्यापी था अराउंड 2012 रे ही व्यापी था से तुम भी गोटे हूँ टाइप ऑफ कोरोना वायरस सार्स मध्य होची तुम गोटे कोरोना वायरस एबे जोटा व्यापी क्वेश्चन नंबर वन में डिस्कशन कले सार्क कोप टू तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर तो जो मैंने आमर फ्री क्लासेस देखते से बेनिफिट कौन जापारे आ जो मैंने लुसेंट बुक पढ़ापी कहते से जापारे आ जो मैंने कहते कि सार एमती आसबनी गोटे दी मार्क मानने सब तुम आपणकर जो स्टेटमेंट व्वज आस मुझे किसी कही नी देख तुम व्हाट इज द रियलिटी बिकज मन रखी जेकोसी परीक्षा क्राक करने मेथड हूँ अलवेज स्टिक टू दि सिलेबस तुम आर आई दौ कौ यूपीएससी दौन आर आई दौ क्लास टेन्थ लेवल जाए कही पढ़ापी टेन्थ प्लस टू जाए तो तुमको से ही भाव में क्वेश्चन पड़ो तो आई थिंक बहुत बढ़िया कटअफ जीव कटअफ आराउंड 45 मत लगुच आराउंड से जीव मिनिमम 45 तो जीव कटअफ जीएस जदि आम देखा 40-45 बहुत बढ़िया क्वेश्चन था तो आई होप कि तुम्हें बहुत बढ़िया करथिबो तो मैक्सिमम प्रिपेरेशन करो साथ रे रोल डेफिनेटली गेट द सक्सेस थैंक यू टू ऑल ऑफ यू